ग्रॉसरी जब करनी हो तो यूजली कोशिश किया करें कि सुबह सवेरे ग्रॉसरी की जाए, ताकि जो है रश से बचा जाए और सब्ज़ी फ्रूट्स आपको सबसे ज़्यादा फ्रेश मिल सके। करते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि डी सी ओ रेट्स जो हैं ये आपके इतने ज़्यादा कम होते हैं कि आप अगर रेडी से जाके वेजिटेबल्स वगैरह ख़रीदें तो वो भी आपको थोड़ी ज़्यादा प्राइसेस पे मिलेंगी और इसके रेट्स काफ़ी ज़्यादा कम हैं। थोड़ा ये है कि ज़रा ढूंढ के चीज़ें आपको उठानी पड़ेंगी, खुद छांटी करनी पड़ेगी, लेकिन वैसे इनके रेट्स जो हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इंपल्सिव बाइंग नहीं करनी, जो आपने लिस्ट में बनाया है वही चीज़ें आप लेके जाएं। अक्सर होता है कि उससे ज़्यादा चीज़ें उठा ली जाती हैं तो फिर आपकी जो पूरे महीने का बजट है वो ख़राब हो जाता है। और दूसरा ये कि अभी जो चीज़ें रैक में सामने लगी हुई हैं वो आपने नहीं उठानी, क्योंकि उनकी एक्सपायरी जो है वो काफ़ी पहले की होती है, जिससे अगर आपने घर जाकर उसको रखना है 5-6 दिन तो फिर वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो पीछे जो चीज़ें हैं उनकी यूजली एक्सपायरी जो है वो काफ़ी देर ज़्यादा की होती है, तो आप पीछे से ज़्यादा चीज़ें उठा के ट्राई करके निकालें, ताकि आपके घर जाकर आपको हफ्ता के बाद भी अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये जी टोटल हो रहा है और फिर घर की तरफ जाएंगे। मेरे ख़्याल से मैंने सारी शॉपिंग पूरी कर ली है, लेकिन अभी मैं देख रही थी मुझे अब याद आ रहा है कि मैंने देगची नहीं ली है और मैं जी चल सकते हैं, देख लेते हैं वहाँ पर इस ब्लॉक खुला है कि नहीं खुला। दुकान का नाम क्या? काका बाबा स्टोर। और दूसरा एक हमारी बहुत ही पुरानी ग्रॉसरी शॉप है, सॉरी प्लास्टिक की सारी, वहाँ पे सारी क्रॉकरी मिलती है, तो वहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे कि क्या कुछ अवेलेबल है। और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अभी मुझे ये नहीं पता कि संडे को दुकानें खुली हैं या नहीं, और बस एक ये संडे को एक ग्रॉसरी का जो मेन काम है वो कर लेते हैं हम, ताकि हमें वीकडेज में इतनी मुश्किल ना हो। लेकिन फिर भी जैसे कि आपको पता है ख़वातीन का हर वक्त ही उनको कुछ ना कुछ जो है वो घर में ख़त्म हो जाता है, अंडा, डबल रोटी, कभी क्या चीज़, कभी वेजिटेबल नहीं है। तो खैर मैंने इसको इसके लिए मैंने सोचा था कि मैं हमेशा एयरलिफ्ट से मंगवा लिया करूँगी, और बल्कि एक दो दफ़ा हम लोगों ने एयरलिफ्ट से मंगवाई भी हैं चीज़ें, लेकिन कुछ फल वहाँ से सही नहीं आए, और दूसरा ये कि उधर का गोश्त अच्छा नहीं था, इस वजह से फिर मैंने वहाँ से मंगवाना छोड़ दिया। आसानी होती थी कि जी आपने ऑर्डर प्लेस किया और चीज़ें आपके डोर स्टेप पर आ गई। इसी तरह इम्तियाज़ सुपर स्टोर का भी बहुत सुना था, फिर वहाँ पे मैं पर्सनली ख़ुद एक दो दफ़ा चक्कर लगाया है, लेकिन वहाँ पे इतना रश होता है कि वहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम और अंदर भी एक क्योस होता है, तो इस वजह से वहाँ पे भी जाना छोड़ दिया है। अगेन हाँ जी, गोश्त भी वहाँ का अच्छा नहीं था, और इसके अलावा बेकरी आइटम्स भी बहुत ही ख़राब थे। सस्ते हैं जी, सस्ता है लेकिन ख़राब है, तो फिर इस वजह से डिफरेंट जगहों से जाके हमें ग्रॉसरी अपनी कंप्लीट करनी पड़ती है। तो बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नहीं, अभी क्रॉकरी स्टोर पे जाना है। अच्छा जी हाँ, क्रॉकरी स्टोर पे भी जाके आपको दिखाते हैं अगर वो खुली हुई तो। जी ये देखिए, ये तो बंद है क्रॉकरी शॉप, तो फिर मैं कहीं और से क्रॉकरी पे जाते हैं सामने। अच्छा, वो जो हमारा पुराना वाला क्रॉकरी शॉप है, ओके ठीक है। और यस खुला हुआ है ये, और हम यहाँ से हाफ शटर डाउन ओके। ये मैं ग्रेनाइट मटेरियल में एक पैन लेकर आई हूँ, ताकि इसमें कुकिंग की जा सके। जो मेरे पास ज़्यादातर देगचियाँ हैं वो सारी नॉन स्टिक में हैं, लेकिन वो इतनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए ये मैं ये वाला मटेरियल ख़रीदा है। एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट आप कर लें तो फिर
प्रॉब्लम नहीं होती और वैसे भी हेल्थ के लिए ये अच्छा है मटेरियल। और ये फिर आपका